एक्चुअली थोड़ा कठिन है। जैसे हम लोगों को लगता है कि हमारा जब स्कूल में होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट कठिन होते हैं, उसी तरह से ये सब्जेक्ट एक कठिन सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ा मुश्किल आता है, और लेकिन ये सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। इसी से आपको अच्छे नंबर, इसी से अच्छी आपकी बिजनेस की ग्रोथ होने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आज मुकेश सर ने रिकॉर्डिंग की है, और क्या होती है क्रॉस लाइन और क्या होती है क्रॉस लाइनिंग, ये समझने की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट मंडे में भी ले, और मंडे में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर बना के दे, और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सब लोग अच्छे से इस वीडियो को बार बार सुन लें जो आज रिकॉर्ड की गई है, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी में से आएगा जो आज की वीडियो है, आज का जो वीडियो बना है क्रॉस लाइन के ऊपर, उसी के ऊपर क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैं चाहती हूँ सब लोग हाईएस्ट मार्क्स लें, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर होंगे, और हर एक का एक नंबर होगा, और हर व्यक्ति जो इस जूम हॉल में बैठा है वो पूरे 20 के 20 नंबर लाए, जैसे मैथमेटिक्स में आ जाते हैं वैसे ही आपको नंबर लाने हैं। इसके लिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और ताकि हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर बना के दें और उसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए। बस इतना ही कहना चाहूंगी, आज वीडियो को देखिए और इस सब्जेक्ट को समझिए, कठिन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरह से, यदि आपने आज इसका होमवर्क कर लिया और अच्छे से तैयारी कर ली। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन